तलावत पे बड़ी डांट पड़ी। तलावत तो हम मतलब आपको पता है हमारे घरों में तो रूटीन में होती रहती है तलावत, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उस दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि इनकी सालगिरह थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी फोटो ली जाएगी। तावीज, जादू टोना वगैरह, वो तावीज मुझे मिलते थे, तो हमें तो और कोई तरीका नहीं पता। कुरान ने पाक की जाहिर है तलावती का तरीका पता है। तो चूंकि उनकी उनकी सालगिरह थी उस दिन, तो हमने तलावत का जो एहतमाम किया कि इससे अच्छी चीज क्या है कि तलावत की जाए किसी की सेहत के लिए, किसी की जिंदगी के लिए। तो वो फोटो कहीं उस्मान डार साहब की जो सोशल मीडिया की टीम थी, उन बच्चों ने, जो मौलवी साहब थे और जो फोटो थी तलावत की, वो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे लगा दी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ वो फोटो गई है। मैं तो जाहिर है मेहमान आ रहे थे और मैं वो दावत की प्रेपरेशन में बिजी थी। तो जब केक काटने का वक्त आया, तो उन्होंने एक तो पहले बहुत सबके सामने मुझे बड़ा एम्बेरस किया कि उन्होंने कहा कि केक मैं मतलब तुम्हारा तुम्हारे साथ नहीं काटूंगा, और ये भरे मजमे के सामने बहुत से लोग खड़े थे, और इसका फोटो ना ले, केक कटने का कोई फोटो ना ले। जो ऑफिशियल वहां पे उनकी टीम आई थी, उस्मान डारी की टीम थी, तो उनको मना किया और मुझे डांटा कि तुमने ये जो तुम्हें नहीं पता ये कितना मेरे लिए मसला बन बन गया है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कोई मतलब कोई कोई फौज बात तो नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मुझको डांटा। और फिर वही वो जब केक कटा, तो उसके बाद गुस्से में वो निकल के चले भी गए। जाहिर है अब आपने इतना एहतमाम किया हो, आप अपसेट तो होते हो, क्योंकि आपने कोई मतलब मुझे तो इसमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या गलत बात है। तो मेरी तो सेंसिबिलिटी में, या तो आप वैसे तो ऐसे भी कभी डांटना या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तलावत की करवाने पे और उसका फोटो किसी ने देख लिया और इस पे डांट पिटी, तलावत पे बड़ी डांट पिटी। तलावत तो हम मतलब आपको पता है हमारे घरों में तो रूटीन में होती रहती है तलावत, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उस दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि इनकी सालगिरह थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी फोटो ली जाएगी। तावीज, जादू टोना वगैरह, वो तावीज मुझे मिलते थे, तो हमें तो और कोई तरीका नहीं पता। कुरान ने पाक की जाहिर है तलावती का तरीका पता है। तो चूंकि उनकी उनकी सालगिरह थी उस दिन, तो हमने तलावत का जो एहतमाम किया कि इससे अच्छी चीज क्या है कि तलावत की जाए किसी की सेहत के लिए, किसी की जिंदगी के लिए। तो वो फोटो कहीं उस्मान डार साहब की जो सोशल मीडिया की टीम थी, उन बच्चों ने, जो मौलवी साहब थे और जो फोटो थी तलावत की, वो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे लगा दी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ वो फोटो गई है। मैं तो जाहिर है मेहमान आ रहे थे और मैं वो दावत की प्रेपरेशन में बिजी थी। तो जब केक काटने का वक्त आया, तो उन्होंने एक तो पहले बहुत सबके सामने मुझे बड़ा एम्बेरस किया कि उन्होंने कहा कि केक मैं मतलब तुम्हारा तुम्हारे साथ नहीं काटूंगा, और ये भरे मजमे के सामने बहुत से लोग खड़े थे, और इसका फोटो ना ले, केक कटने का कोई फोटो ना ले। जो ऑफिशियल वहां पे उनकी टीम आई थी, उस्मान डारी की टीम थी, तो उनको मना किया और मुझे डांटा कि तुमने ये जो तुम्हें नहीं पता ये कितना मेरे लिए मसला बन बन गया है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कोई मतलब कोई कोई फौज बात तो नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मुझको डांटा। और फिर वही वो जब केक कटा, तो उसके बाद गुस्से में वो निकल के चले भी गए। जाहिर है अब आपने इतना एहतमाम किया हो, आप अपसेट तो होते हो, क्योंकि आपने कोई मतलब मुझे तो इसमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या गलत बात है। तो मेरी तो सेंसिबिलिटी में, या तो आप वैसे तो ऐसे भी कभी डांटना या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तलावत की करवाने पे और उसका फोटो किसी ने देख लिया और इस पे डांट पिटी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।